हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, रेस्टोरेंट स्टाइल वाला शाही पनीर जैसे रेस्टोरेंट में बनता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी शाही पनीर बनने वाला है। चलिए हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने यहाँ पर पनीर के बड़े बड़े पीसेस में कर लिया है, स्क्वायर शेप में आप देख सकते हैं। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, 2 स्पून। मैं इसमें हल्का सा अपने जो पनीर के पीस हैं उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी पनीर ऐड कर सकते हैं शाही पनीर में, नहीं तो आप फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इनको हल्का सा ढक देती हूँ क्योंकि जब हम पनीर डालते हैं फ्राई होने के लिए तो उनमें हल्का सा वाटर होता है तो बहुत छींटे आती हैं, इसलिए मैं इनको हल्का सा ढक दिया है। अगर आपके जो ये पनीर है बहुत ज़्यादा तेज हो जाए या चिड़चिड़े लगे आपको, तो आप इनको पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रख दीजिए। 10 मिनट्स के लिए ये सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम से। ऐसे पनीर फ्राई करके डालने से इनका जो शाही पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है एकदम। मैंने यहाँ पर 1 ऑनियन को चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, अदरक ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक बड़ी इलायची डाली है और 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करे हैं। मैं यहाँ पर अदरक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 इंच का एक पीस लिया है अदरक का। इनको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमने अपने जो काजू और जो बादाम हैं हम उनको ऐड करेंगे। इनको भी हम 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम जो ऑनियन है उनको ऐड करते हैं। ऑनियन को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें ऐसा नहीं फ्राई करना है कि आप इनको बिल्कुल ब्राउन कर लें, आपको इनका जो कच्चापन है थोड़ा सा बस वो दूर करना है, जिससे कि जो हमारी जो वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आए। हल्का हल्का सा आप इनको फ्राई कर लें। इसमें मैंने 3 टमाटो ऐड करे हैं। मैंने यहाँ पर टमाटो को बड़े बड़े पीसेस में कट किया है क्योंकि जो हम इनका पेस्ट बनाएंगे। मैंने टमाटो को बड़े बड़े पीस में काट के डाल दिया है। मैं इसमें 1/4 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। हमें यहाँ पर वाटर थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करा है। अब हम इनको 3-4 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि जो हमारे टमाटर और जो प्याज है वो अच्छे से गल जाएं। हम इनको हल्का सा गलने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं मीडियम फ्लेम में, पैन को कवर करके। आप देख सकते हैं मेरे जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से गल गए होंगे। इनका जो ऊपर का जो छिलका होता है टमाटो का वो अलग हो गया होगा। मैंने यहाँ पे जो इसकी फ्लेम है वो ऑफ कर दी है। मैं इसको ठंडा होने के बाद इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो अपना पेस्ट है वो रेडी कर लिया। इससे हम अपना शाही पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस पेस्ट को छान लेते हैं। देखो, शाही पनीर है तो एकदम शाही होना चाहिए, तो इसको छान ले। जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। कुछ पीस है जो अच्छे से नहीं पीसे होंगे, वो पीस हमारे अलग हो जाएंगे। ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, बट जब आप पीस के बनाओगे तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं इसको ऐसे आप स्पून से कर लें। हमारा जो पेस्ट है बनके रेडी हो गया है। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट नहीं, हींग ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें 1/2 स्पून राई ऐड कर रही हूँ क्योंकि शाही पनीर में तो राई से ही छोक के जाती है, राई से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था हमने वो ऐड कर लिया है पैन में। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो अभी बहुत अच्छा कलर आ गया है। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। हमने यहाँ पर 1/2 स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं।
और मैंने यहाँ पर 1 स्पून किचन किंग पाउडर ऐड करा है। मैं यहाँ पर शाही पनीर मसाला जो आता है मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से जो हमारे पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून कसूरी मेथी ऐड करी है। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर मैंने यहाँ पर अपना गरम मसाला ऐड कर लिया। अब हम इसको हल्का सा चला देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1/2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से चला दें और हम इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। हमने इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर दी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें अपने जो फ्रेश क्रीम है 1/2 कप, मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। जो हमने अपना जो पनीर है वो फ्राई किया था अब हम वो ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो पनीर है वो कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। जब भी आप क्रीम ऐड करें तो आप फ्लेम ऑफ कर दें फिर आप अपना क्रीम ऐड करें। आप देख सकते हैं मेरा जो पनीर है वो बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो पनीर है वो कितने अच्छे से कितना यम्मी बन के रेडी हो गया। आप एक बार मेरी वीडियो बना के मेरी रेसिपी बना कर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।